Start with the only name of Almighty Allah, who is most merciful and ever beneficent. This is Muhammad Rafiq Maisar. Dear student, today we will continue with our Unit 3 Text 1, The Great Fire of London. September 1666. Dear student, today we will continue topic reading for understanding. Today we will solve question and their possible answer. So I have written their answers and we will read the question from our textbook. So question number one here is, what did PP see when he went down the water side? Mean वो जो डायरेक्ट था PP उसने क्या देखा जब वो नीचे गया water side? His answer is he saw a lamentable fire there. Mean उसने एक lamentable fire देखा वहाँ. Question number two, which detail tell you about the effect of fire on living creatures apart from human being? So his answer is poor pigeons were forced to leave their houses and they were hovered over their balconies and some of them got their wings burnt and fell down. Mean जो pigeons थे वो अपने घर को नहीं छोड़ रहे थे, वहाँ hover कर रहे थे जब तक उनकी आग लगी और उनके जो wings थे वो जल गए और जो pigeons थे वो नीचे गिर गए. Here question number 3, what made PP sleep in his diary entry for 2 September? Mean PP क्यों रो रहा था? Mean this question, three's answer is due to he saw churches, houses are on fire. Mean उसने देखा churches और houses सबको आग लग चुकी थी. Here question number 4, what could PP hear on that day 2 September? PP क्या सुन रहा था 2 September को? Question number 4's answer is he heard cracking of houses at their ruin. Mean हाउस जब तबाह हो रहे थे, जल रहे थे, तो उनका एक वॉइस प्रोड्यूस हो रहा था, क्रैकिंग वॉइस, तो वो सुन रहा था. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड पीपी एंड हिज फ्रेंड डिग होल्स इन द ग्राउंड? पीपी और उसके दोस्त ने वो होल्स को क्यों डिग किया ग्राउंड में? क्वेश्चन नंबर 5's आंसर इज दे डग होल्स टू पुट वाइन एंड इंपॉर्टेंट ऑफिस पेपर्स देयर. मीन उन्होंने वो डग ओपन किया क्योंकि वो वाइन और ऑफिस के जो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे वहां रखना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वर द हाउसेस इन टावर स्ट्रीट ब्लोनर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बिकॉज फायर स्प्रेड एवरीवेयर एंड रीच एट टावर साइड. क्योंकि फायर जो थी इतनी इंटेंस थी क्योंकि वो पूरा इलाका जो था वो अपने लिपेट में आ गया फायर के. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड पीपी रिकॉर्ड सीइंग एंड फीलिंग इन मूव फील्ड्स इन हिज डायरी एंट्री फॉर 5 सितंबर? तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज ही सा पुअर रिचर्स, जो गरीब लोग थे, कैरिंग देयर गुड्स, अपने सामान उठा रहे थे, देयर एंड इट वाज अ फेयर वेदर फॉर देम. मीन एक ब्लेसिंग उनके लिए ये थी कि वो वहां मौसम जो थी वो अच्छी थी. क्वेश्चन नंबर 7 इज 8 इज सॉरी व्हाट डज पीपी परचेज ऑफ द लॉफ इंडिकेट अबाउट प्राइसेस फॉलोइंग द फायर? क्योंकि वो जो लॉफ था प्लेन, क्योंकि हर चीज जो थी वहां जल गई थी, इसलिए वो जो एक प्लेन लॉफ मिल रहा था वो 2 पेंस का मिल रहा था वो इसलिए. तो इस आंसर इज बिकॉज एवरीथिंग गॉट बर्नड देयर, हर चीज वहां जल गई थी, सो ही परचेज अ प्लेन लॉफ एट द प्राइस ऑफ 2 पेंस. क्योंकि उसने वो प्लेन ऑफ लॉफ जो परचेज किया था उसकी जो प्राइस थी 2 पेंस थी. सो डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग यूनिट 3 टेक्स्ट 1 द ग्रेट फायर ऑफ लंडन. So hopefully you will got these question answers, and if you have a question related to that today's topic, then you can comment at our YouTube channel, and thank you for watching today's video. Thank you.